ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक सिस्टम। यानी कि पास्कल्स लॉ जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो कि ये था कि जो लिक्विड अगर क्लोज कंटेनर में है तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो क्या होगा कि हर साइड पे, हर डायरेक्शन पे इक्वल प्रेशर जनरेट होता है अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करें। इस लॉ को लेते हुए हम लोगों ने आगे इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है, यानी कि इसके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल है जैक सिस्टम की। अ हाइड्रोलिक सिस्टम कॉल्ड हाइड्रोलिक जैक। यहाँ पे एक सिस्टम है जो यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा है, फिगर नंबर 7.3 है ये आपकी बुक की। इसमें क्या है, एक हाइड्रोलिक जैक नाम का एक सिस्टम शो हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। इसके अंदर दो सिलेंडर यूज़ हुए हैं, एक लार्ज सिलेंडर है, आप लोग इसका साइज़ देख लें, ये काफ़ी लार्ज है, ठीक है, कंपेरेटिवली। ये एक स्मॉल सिलेंडर है, ठीक है। दोनों के अंदर जो है पिस्टन फिट हुए हैं। ये जो आपको ग्रे कलर के नज़र आ रहे हैं ये पिस्टन है, ठीक है, ये स्मॉल पिस्टन है और ये जो है लार्ज साइज पिस्टन है। अब क्या हो रहा है, ये साथ में एक ऑयल टैंक है। इस ऑयल टैंक से क्या हो रहा है, ये फ्लूइड जो है इसके अंदर फिल हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको वॉल्व्स नज़र आ रहे हैं, इसके थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने ये लिक्विड जो ऑयल है इसको हम लोगों ने फिल किया। ओके, फिल करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर स्मॉल पिस्टन से हम लोग फोर्स जनरेट कर देंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो फोर्स लगाई उससे क्या हुआ कि वो जो फोर्स ने जनरेट किया इस लिक्विड ऑयल में क्या प्रेशर यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ। और आपको पता है कि एक फ्लूइड अगर किसी क्लोज कंटेनर में है तो क्या होता है, उसकी वेसल की हर तरफ, हर डायरेक्शन में वो इक्वल प्रेशर जनरेट करता है। यानी कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने से जो प्रेशर जनरेट हुआ है वो इस वेसल की सारे जो है वॉल्स को क्या किया, उसने प्रेशर जनरेट किया। यानी कि वो प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हुआ स्मॉल सिलेंडर से कहाँ, लार्ज सिलेंडर में। और लार्ज सिलेंडर में जब यहाँ पे इस लार्ज पिस्टन को वो प्रेशर ने हिट किया तो क्या हुआ, फोर्स जनरेट हुई। इसके लार्ज सरफेस एरिया के होने की वजह से क्या होता है कि लार्ज प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, फोर्स भी ज़्यादा जनरेट हुई है। इसलिए हम लोग स्मॉल फोर्स यहाँ पे लगाते हैं। थोड़ी सी फोर्स लगाने से क्या होता है कि यहाँ पे हम हैवी लोड जो है उसको जो है लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में कार है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट को क्या किया, छोटी सी फोर्स अप्लाई करने से हम लोगों ने उसको अपलिफ्ट कर लिया, ठीक है। ये है इसकी एप्लीकेशन नंबर वन। इसी तरह से यहाँ पर एक ये जो वॉल्व्स हैं इनका यहाँ पर फंक्शन यही है कि हम इससे अपने जो है फ्लूइड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसको फिल कर लिया और इनको हमने वॉल्व्स को लॉक कर दिया तो क्या होगा कि ये जो है पिस्टन जो है वो अपनी पोजीशन में ही रहेगा और हमारा जो लोड है वो अपलिफ्ट ही रहेगा, यानी कि उसको जो है वो लिफ्ट करके रखेगा। जब हम ये खोल देंगे, ठीक है, वॉल्व से क्या होगा कि फ्लूइड जो है वापस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, प्रेशर जो है ख़त्म हो जाएगा और क्या होगा, पिस्टन वापस अपनी पोजीशन में नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पेज नंबर 105 पे हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 2 है, विच इज़ ब्रेक सिस्टम। यानी कि कार में जो ब्रेक होती है उसके अंदर भी हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कैसे। इस डायग्राम को आप लोग देखें, यहाँ पे एक ब्रेक है, इस ब्रेक के साथ एक स्मॉल पिस्टन यूज़ हुआ है, ठीक है। ये है एक स्मॉल पिस्टन और उसके साथ एक सिलेंडर अटैच्ड है। एक सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन फिट हुआ हुआ है। इस सिलेंडर को हम लोगों ने नाम दिया है मास्टर सिलेंडर का। और इस तरफ जाएं तो यहाँ पे भी एक सिलेंडर है जो ज़रा लार्ज साइज़ का है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है स्लेव सिलेंडर का, ठीक है। दो सिलेंडर हैं जो किसके साथ कनेक्टेड है, एक पाइप के थ्रू, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक बड़ा सा पिस्टन है जो स्प्रिंग के थ्रू जो है इस पैड को अटैच किया गया, ठीक हो गया। इसको हम लोगों ने लार्ज पिस्टन कहा है, इसको हमने स्मॉल पिस्टन कहा है। सेंटर में पाइप है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मास्टर सिलेंडर है, यहाँ पे स्लेव सिलेंडर है और उसके आगे जो है व्हील है। अच्छा, और ये वाले जो पाइप है और सिलेंडर है ये एक स्पेशल किस्म के लिक्विड से जो है फिल किए जाते हैं, जिसको हम यहाँ पे लिखा होगा नाम स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड ब्रेक ऑयल, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल से इसको फिल किया जाता है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। हम जब ब्रेक अप्लाई ब्रेक को पुश करते हैं, ठीक है, ब्रेक लगाने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने से जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ गया, जिसकी वजह से इस लिक्विड में प्रेशर जनरेट हुआ,
ठीक हो गया। जब ये प्रेशर अंदर गया बड़े सिलेंडर के अंदर, तो क्या हुआ कि उसने अंदर जाके अपनी लार्ज सरफेस एरिया पे हर तरफ ज़्यादा सा प्रेशर जो है वो अप्लाई किया। उस प्रेशर से फोर्स जनरेट हुई, और फोर्स जनरेट होने के बाद क्या हुआ कि पैड जो है वो आउटसाइड पे आ जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ आ जाता है। और पैड जब बाहर की तरफ आ जाता है तो वो क्या करता है, लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स जो है प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्हील जो है स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इजी सी सिंपल सी डेमोंस्ट्रेशन है और ये एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की। तो नेक्स्ट सिस्टम जो है, आगे वाले टॉपिक्स जो हैं हमारे पास, गैस प्रेशर इन कंटेनर, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से लर्न करें, इनके डायग्राम्स को अच्छे से समझें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।